मैं हूं नीरज, ब्लू किंग ब्लॉग्स में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और पिंकी जी बैठी है मेरे बगल में। हेलो गाइस। और दोस्तों आज हम बनाएंगे भिंडी, भिंडी देसी स्टाइल बनाएंगे, देसी मसाला भिंडी अपने घर के तरीके से जैसे हम लोग बनाते आए हैं अब तक। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये रेसिपी। दोस्तों आज ये रेसिपी मैं बनाऊंगा और पिंकी जी करेंगी मेरी हेल्प। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। बनाते हैं मसाला भिंडी देसी स्टाइल। दोस्तों भिंडी बनेगी सरसों के तेल में, तो उसमें सरसों का तेल ऐड करता हूँ मैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, गैस ऑन है, सरसों का ऑयल डाल दिया है जो कि गर्म हो रहा है, इसको गर्म होने देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा जीरा, गर्म होने तक थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब इसमें भिंडी को डाल देंगे, जीरा हो गया है। धीरे से डालना है ताकि तेल उसके ना फिर ऊपर ना आ जाए। करते हैं इनको फ्राई। चलाते रहेंगे इनको ताकि सभी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तो रह ना जाए। दोस्तों भिंडी थोड़ी फ्राई हो गई है। थोड़ी फ्राई होने के बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो सके। भिंडी आप काटें तो उसमें ऐसा चाक लगा दें ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से चला जाए। और इसमें अभी मैंने दो हरी मिर्च और काट के डाली हैं, साबुत हरी मिर्च में बीच में चाक लगा के दो निकाल के फिर इसमें डाली हुई है। दोस्तों भिंडी हो चुकी है फ्राई और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर है, अपने हिसाब से लेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। और ये हरा धनिया पाउडर है और थोड़ी सी हल्दी है। ये इसमें थोड़ा दही डालेंगे। और इसको बढ़िया से ऐसे मिला देंगे ताकि ये मिल जाए इस तरह से। और ये मसाला इसमें पूरा ऐड कर देंगे इसमें। दोस्तों अभी इसमें नमक नहीं डाला है, नमक अभी डालेंगे इसके बाद। इसमें नमक डालते हैं दोस्तों। नमक पहले से इसलिए डाला था क्योंकि ये पानी छोड़ देता। और ये नमक डाल दिया अपने स्वाद के अनुसार। बढ़िया से इसको मिला देंगे और पकने देते हैं इसको। चलाते रहेंगे इसको ताकि सभी भिंडियाँ पक जाए, कोई टुकड़ा रह ना जाए। अब इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। और ये अमचूर पाउडर है, अमचूर पाउडर जीरा पाउडर डाल दिया। उसको बढ़िया से मिला देंगे। और अब डालेंगे गरम मसाला। तो अच्छे से चला देंगे बढ़िया से इसको दोस्तों।
फाइनली दोस्तों भिंडी हो चुकी है तैयार, क्योंकि इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक गई है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग कसूरी मेथी थोड़ी डालते हैं और उसमें पिंकी जी कसूरी मेथी डाल देंगी क्रश करके। इससे अच्छी खुशबू आती है खाने में, इससे अच्छी खुशबू आती है और साथ में टेस्ट भी बढ़ जाता है। दोस्तों भिंडी हो चुकी है बनके तैयार, और कैसी लगी आपको ये रेसिपी बताइएगा और ट्राई भी कीजिएगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।